क्या आपको सभी आरोपियों के बयान सच लगते हैं? पहले बयान सुनिए के बाद में बताइए हमें कमेंट करके। सांवरा का बयान। वर्चस्व की लड़ाई थी, सांवरा और देवा दोनों के बीच ठेकू से लेन देन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई काफी समय से थी। दोनों एक ही काम को लेने की होड़ में रहते थे, लेकिन देवा हर बार भारी पड़ता था। हत्या के 10-15 दिन पहले देवा ने सांवरा को किडनैप करके ले गया और धमकाया था। सांवरा ने उसी वक्त मन में ठान लिया कि वो देवा को सबक सिखाएगा। पहला सांवरा का जो बयान है वो आपको बताया गया। दूसरा बाबू गुजर। बाबू गुजर ने क्या कहा? प्लॉट का पैसा नहीं दिया तो सबक सिखाने की ठानी। राउत बाटा में दोनों ने एक प्लॉट पर कब्जा किया जिसकी कीमत 25 लाख से ज्यादा थी, लेकिन देवा 4 लाख देकर बाबू को साइड कर रहा था। तब से बाबू भी देवा को सबक सिखाना चाहता था। अब आ रही है दो और आरोपियों की बयान। बेरू और कालू गुजर। कालू सांवरा का दोस्त था जो देवा के धमकाने के बाद उसके साथ रहने लगा। जब इसका पता देवा को चला तो उसने कालू को भी धमकाया, बेटे को धमकाया, तो पिता बेरू भी देवा के खिलाफ हो गया। ये चार अहम किरदार देवा गुजर। तो सुना आप लोगों ने चारों के बयान। अब आपके हाथ में, आपको सोच समझ के कमेंट करना है कि भाई आपको ये बयान वाकई में सच लगते हैं। कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे बने रहना। धन्यवाद। जय श्री।